So students, in our last lecture we have discussed about what exactly heat is, and then we discussed how to measure heat. We have discussed about clinical thermometer, laboratory thermometer, and electronic one we have also discussed, infrared thermometer. So various types of devices to measure heat we have discussed. In today's lecture we'll be discussing what how heat transfer from one place to another place, or from one point to another point. So let's start. So what, first I will explain what exactly transfer of heat means. Transfer of heat means to carry out heat from one part of an object to its other part, or from one object to another object. क्या मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट को पहुंचाना, या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने हीट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हॉट टी टू कोल्ड स्पून. मेरे पास एक हॉट टी कप है जिसके अंदर एक स्पून है और उसके अंदर टी है. टी इज़ एट हाइयर टेम्परेचर बिकॉज ऑब्वियसली टी वाटर बॉयल्स देन वी फॉर्म टी, सो टेम्परेचर विल बी क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू स्पून, बिकॉज स्पून इज जनरली एट रूम टेम्परेचर. जब हम उसे उठा के अंदर रखते हैं तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, एंड रूम टेम्परेचर इज जनरली 30-35 और 40 डिग्री इन दिस डेज, एंड योर टी विल बी एट अप्रॉक्सीमेटली 70-80 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज़ इन द कप. सो इट इज़ एट क्वाइट हाइयर टेम्परेचर. सो व्हाट विल हैपन, द हीट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस टी टू दिस स्पून, बिकॉज योर द टी इज़ एट हाइयर टेम्परेचर एंड योर स्पून इज़ एट लोअर टेम्परेचर. और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर मैंने एक पैन रखा हुआ है, तो बर्नर जब मैं ऑन करूँगा तो वट विल हैपन, फर्स्ट पैन वॉज एट लोअर टेम्परेचर. पहले पैन आपका लोअर टेम्परेचर पर था, मैंने जैसे ही उसको बर्नर के ऊपर रखा, इट विल स्टार्ट गेनिंग द हीट. हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बर्नर टू दैट पैन, एंड दैट एग्जैक्टली मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट. बट आफ्टर सम टाइम वैन यू रिमूव दिस पैन and place it on the some shelf, so what will happen, this pan will loosen the heat and ultimately it will cool down, and it has transferred its heat. Where exactly that heat has gone? It has transferred its heat to the surroundings. ये pan जो ऊपर रखा गया था, इसको मैंने जब नीचे रखा तो क्या हुआ, इसने अपनी heat को क्या कर दिया, surroundings में transfer कर दिया. अब यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है, जब हमने एक गर्म चाय के अंदर एक स्पून को रखा तो स्पून गर्म हो गया, और बर्नर के ऊपर एक हमने पैन को रखा तो पैन गर्म हो गया, और पैन को उतार के हमने जब शेल्फ के ऊपर रखा तो वो ठंडा हो गया. तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्यों हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा और कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र. जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एक ऑब्जेक्ट को हीट दी जा रही है तो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, और जब एक ऑब्जेक्ट से हीट निकाली जा रही है तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है. तो यहाँ से हमें क्या समझ आती है, व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स. This means that heat flows from a hot object to a cold object. एक hot object से cold object की तरफ आपकी जो heat है वो transfer होती है. कहने का मतलब ये है कि heat flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. एक object जो high temperature के ऊपर है वो वहाँ से heat transfer होती है उस object की तरफ जो low temperature के ऊपर है, और heat तब तक transfer होती रहती है जब तक दोनों जो आपके objects हैं वो same temperature के ऊपर नहीं पहुँच जाते हैं. लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर हैविंग एन आयरन बॉल, आपके पास एक आयरन बॉल है, ओके, एंड द आयरन बॉल इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड वाटर, यू आर गोइंग टू पुट दैट आयरन बॉल इन द वाटर. आप उस आयरन बॉल को एक पानी के जार के अंदर डालने वाले हैं और पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. वैन यू पुट आयरन बॉल इन द वाटर जार, वॉट विल हैपन, द वाटर विल स्टार्ट गेनिंग हीट. पानी जो है आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्यों, बिकॉज आयरन बॉल इज एट हाइयर टेम्परेचर. आयरन बॉल इज एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. सो 40 डिग्री सेल्सियस वाला ऑब्जेक्ट 25 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर करना शुरू करेगा. सेकेंड केस इज, नाउ लेट्स कंसिडर वाटर इज एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन बॉल इज एट 40 डिग्री सेल्सियस. नाउ वॉट विल हैपन, नाउ द वाटर विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग हीट टू द आयरन बॉल. पानी आपका आयरन बॉल को हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, क्यों, बिकॉज वाटर इज एट हाइयर टेम्परेचर एंड योर आयरन बॉल इज एट लोअर टेम्परेचर. नाउ द थर्ड केस इज, वाटर इज ऑल्सो एट 40 डिग्री सेल्सियस, आयरन बॉल इज ऑल्सो एट 40 डिग्री सेल्सियस, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर. नाउ इन दैट केस देर विल बी नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है. तो कहने का मतलब यह है कि हीट तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता. जैसे पहले केस में आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस है, पानी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, आयरन बॉल का जो टेम्परेचर है वो फॉल डाउन करेगा, और अल्टीमेटली वो दोनों एक टेम्परेचर के ऊपर आके कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा.
So that is basically how heat transfer. Heat transfer from higher temperature to lower temperature, or an object, hot object to low object which is at which is cold or which is at low temperature. Okay. So how heat is transferred? There are three modes to transfer heat. First one is conduction, other is convection, and third one is radiation. Solids ke case mein, main fir se repeat kar deta hun. हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? हीट बेसिकली थ्री डिफरेंट वेज के साथ ट्रांसफ़र होती है. फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन, थर्ड इज़ रेडिएशन. कंडक्शन के साथ, कन्वेक्शन के साथ और रेडिएशन के साथ. व्हाट एग्जैक्टली कंडक्शन इज? कंडक्शन दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज़ लेक्चर. कंडक्शन जो सॉलिड्स हैं वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन. जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेज हैं वो कन्वेक्शन के साथ हीट ट्रांसफ़र करते हैं. और जहाँ पर एम्पटी स्पेस है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होती है आपकी रेडिएशन की हेल्प से होती है. फॉर एग्जांपल योर सन, ये अर्थ से काफ़ी काफ़ी दूर है एंड देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन अर्थ एंड सन. हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो थोड़ा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अर्थ से सन काफ़ी दूर है. तो वहाँ से सन से जो हीट आ रही है, बिकॉज सन इज़ एट हायर टेम्परेचर, सन इज़ एन हॉट ऑब्जेक्ट, तो सन से जो हीट आ रही है अर्थ तक, इट इज़ कमिंग बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन. सो थ्री मेथड्स हैं हमारे पास हीट ट्रांसफर करने के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन, फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, और फ्रॉम ए हॉट मटेरियल टू ए कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विद इट विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल. ये जो लास्ट लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए. कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र करना, या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को हीट ट्रांसफ़र करना, या एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफ़र करना जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है. और ये कैसे होता है? विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. कि जो मीडियम है, जैसे जो आपका कंडक्टर है, जैसे आपका स्पून मान के चलिए, स्पून को अगर मैं गर्म करूं तो स्पून में हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे. वो अपनी पोजीशन पर, अपनी पोजीशन पर, अल्टीमेटली अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे. वो वाइब्रेट करेंगे लेकिन रहेंगे अपनी पोजीशन पर ही. मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखी हैं. एक फ्राइंग पैन केप्ट ऑन गैस ट्रांसफर द हीट ऑफ गैस बर्नर थ्रू इट्स मेटल बॉटम बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. क्या होता है जब एक आपका फ्राइंग पैन जो है उसे आप हीट करते हैं, तो कुकर मान के चलिए, मान लीजिए आपने कुकर रखा हुआ है, कुकर को आपने बर्नर के ऊपर रखा है, गैस के ऊपर रखा है, तो आप उसका बॉटम गर्म कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है. वो कैसे होता है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है? कंडक्शन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो अपन पार्टिकल जब एनर्जी गेन करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज हर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता है. सॉलिड्स के भी जितने एटम्स हैं वो सारे वाइब्रेट कर रहे हैं. इवन ये जो बोर्ड सामने पड़ा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन इतनी स्लो है कि हम उसे फील नहीं कर पा रहे हैं. वाइब्रेट, हर एक चीज़ वाइब्रेट हो रही है. तो जब ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हीट गेन करता है, तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, और वो वाइब्रेशन के साथ वो हीट को क्या करते हैं? फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मान लीजिए इसके मैं फर्स्ट एंड को हीट कर रहा हूँ, लेट से लेफ्ट एंड को मैं इसके हीट करता हूँ. हीट करूँगा तो क्या होगा? इसके अंदर छोटे छोटे छोटे, देखिए मैंने ये कंसिडर किया है एक रॉड है, उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं. अगर मैं इसे हीट करूँगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होने वाला है? आपके लेफ्ट साइड से सारी के सारे जो एटम्स हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाले जो आपके एटम्स हैं ये हीट गेन करेंगे, और हीट गेन करके इनका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, इनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये टू एंड फ्रो मूव करेंगे. तो ये वाले पार्टिकल्स अपनी हीट को फर्दर नेक्स्ट पार्टिकल्स की तरफ, और ये वाले पार्टिकल्स आगे, और फिर ये आगे और आगे, और धीरे 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 एक एंड से हीट आपकी दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाएगी. ये पार्टिकल्स रहेंगे यहीं पर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, तो ऐसे एग्जैक्टली बेसिकली आपका जो कंडक्शन है वो होता है. मैंने लिखा है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ बट एक्चुअली रिमेन एट देयर पोजीशन. पार्टिकल जो है वो आगे पीछे मूव करते हैं लेकिन एग्जैक्टली अपनी पोजीशन के ऊपर ही रहते हैं, अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाते हैं. टू एंड फ्रो जरूर मूव करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एक स्पून को गर्म कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम एक स्पून को मैं हीट कर रहा हूँ. यहाँ पर बर्नर है, देखिए मैंने बर्नर ड्रॉ किया है, ऊपर मैंने एक स्पून रखा है, जिस हैंड से पकड़ा हुआ है वो कोल्ड एंड है, और जिसको मैंने बर्नर के ऊपर रखा है वो ऑब्वियसली हीट गेन करेगा तो हॉट एंड हो जाएगा. अब इसमें हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? ऑब्वियसली देखने में ही पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड से हीट आपकी राइट साइड की तरफ ट्रांसफ़र होगी. जैसे मैंने लिखा है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस एंड, हॉट एंड से आपकी जो है कोल्ड एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी.
क्यों? बिकॉज हॉट एंड हीट गेन कर रहा है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और धीरे धीरे वो हीट को आगे 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 फर्दर एटम्स में ट्रांसफर करते जाएंगे और अल्टीमेटली एक एंड से दूसरे एंड पर हीट जो आपकी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमें, हमें ये समझ आ रहा है कि कंडक्शन के केस में पार्टिकल्स एक्चुअल में मूव नहीं करते हैं, वो अपनी हीट को वाइब्रेटरी मोशन के साथ, वाइब्रेशन के साथ एक एटम से दूसरे एटम और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और ऐसे अल्टीमेटली एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये मैंने स्पून में देखी, अब हीट ट्रांसफ़र लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अगर इसी स्पून को उठा करके मैं एक ठंडे स्पून के पास रख दूँ जैसे यहाँ पर है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी हीट ट्रांसफर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज राइट साइड पे आपका क्या है हॉट स्पून, लेफ्ट साइड पे क्या है कोल्ड स्पून। राइट साइड पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हाइयर टेम्परेचर पे है और लेफ्ट साइड पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लोअर टेम्परेचर के ऊपर है, तो ऑब्वियसली आपकी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसफर होगी। एक एग्जांपल हम एक और कंसीडर कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम ये रिप्रेजेंट शो करें कि हीट वाकई में एक एंड से दूसरे एंड पे धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती है और एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र होती है। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक एल्युमिनियम रॉड लिया है, एक स्टैंड लिया है, एल्युमिनियम रॉड को उसमें फिक्स किया है और मैंने ये जो आपको टी शेप में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली ये वाले जो ये बेसिकली आयरन नेल्स हैं जो यहाँ पर मैंने हेल्ड किए हैं इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ वैक्स, वैक्स लगा के इन नेल्स को यहाँ पे जोड़ा है। तो जैसे ही मैं इस बर्नर को हीट करूँगा तो क्या होने वाला है, आपके जो एटम्स हैं वो हीट को आगे 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 ट्रांसफ़र करेंगे और सबसे पहले वैक्स कौन सी पिघलेगी, जो यहाँ पर होगी, और ये वाली वैक्स पिघल जाएगी और आयरन नेल आपका ये वाला नीचे गिरेगा, ये वाला नहीं नीचे गिरेगा, लेकिन धीरे 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 हीट आगे ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पर जो वैक्स होगी वो मेल्ट हो जाएगी और आपका आयरन नेल ये वाला गिर जाएगा। अल्टीमेटली आपकी हीट आगे ट्रांसफर होगी, यहाँ पर ये वाला भी गिर जाएगा और सबसे लास्ट में ये वाला आयरन नेल गिरेगा। तो मींस हीट आपकी एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर होती है, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है और सॉलिड्स के केस में विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन होती है। कंडक्शन मींस पार्टिकल्स एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हुए ऐसा किया जा रहा है। सो दैट इज अबाउट कंडक्शन, अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज द पॉइंट्स। हीट ट्रांसफर मैंने बताया, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, तब तक ट्रांसफर होती है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर के ऊपर नहीं आ जाते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, कैसे ट्रांसफर होती है, थ्री मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड जो है वो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर करते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेज कन्वेक्शन के साथ करते हैं और जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पर हीट ट्रांसफर रेडिएशन की हेल्प से होती है। कंडक्शन क्या है, उसमें एक जो आपका जो हॉटर पार्ट है वहाँ से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे मैंने कुकर वाला आपको एग्जांपल दिया कि कुकर को आप नीचे से गर्म करते हो तो उसके एंड जो आपका जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन होता है। पार्टिकल्स आपके हीट गेन करते हैं और आगे 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 हीट ट्रांसफ़र करते जाते हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक हीट आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे मैंने स्पून वाला एग्जाम्पल दिया और यहाँ पर मैंने बताया कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कंडक्शन में कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो कंडक्शन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कॉन्टैक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। और ये मैंने बताया इस एग्जांपल से कि आपका जो हीट है वो वन एंड से अनदर एंड धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है और एक एटम जो है वो दूसरे एटम को हीट देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और ऐसे धीरे धीरे आपकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और सबसे पहले आयरन नेल कौन सा गिरेगा, जो सबसे पास में होगा बर्नर के, ये वाला सबसे पास में है, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला और लास्ट में ये वाला गिरेगा। सो दैट वॉज अबाउट कंडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।